दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए मुकाबले के चौथे दिन ही जीत हासिल करने की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के पांच बल्लेबाजों को आउट करके दिखाया। वहीं चौथे दिन की शुरुआत होते ही भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज जयंत यादव ने अपनी गेंदबाजी से पूरा मैच पलट कर रख दिया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आखिरकार किस तरह जयंत यादव ने अपने एक ओवर में ही भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। लेकिन उससे पहले आप सभी अश्विन और जयंत यादव में किसे बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने तीन दिन के खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह से मुकाबले से बाहर करके रख दिया। अब भारतीय टीम ने पहले दिन शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 325 का स्कोर खड़ा कर दिया और वो इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेकती हुई मात्र 69 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और इसके बाद भारतीय टीम की तीसरी पारी एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के सामने बेहद ही खतरनाक और 540 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं इस स्कोर का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाज एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के सामने बिखरते हुए नजर आए और अपनी टीम के लिए रन बनाने में नाकामयाब रहे। और भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी के चलते और तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मात्र 140 के स्कोर पर ही 5 विकेट गंवा दिए। इसके बाद भारतीय टीम अपनी जीत के बहुत करीब पहुंच गई थी। दोस्तों चौथे दिन की शुरुआत होते ही भारतीय टीम ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की जीत की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया और भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज जयंत यादव ने चौथे दिन की शुरुआत होते ही मात्र आधे घंटे के अंदर न्यूजीलैंड के 3 विकेट निकालकर पूरी तरह से मैच का स्कोर खत्म कर दिया। न्यूजीलैंड की पारी के 52वें ओवर में जयंत यादव ने न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को आउट करके भारतीय टीम को छठवां विकेट दिलाया। इसके बाद उन्होंने 54वें ओवर में जयंत यादव ने जैमिसन और टिम साउदी को एक ही ओवर में आउट करके भारतीय टीम को जीत के बिल्कुल दहलीज पर खड़ा कर दिया और भारतीय टीम जीत से महज एक विकेट दूर रह गई है। लेकिन इसके बाद क्रिकेट को भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 57वें ओवर में पूरा कर दिया और उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले निकोलस को रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप आउट कराकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिलाई। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को बेहतरीन तरीके से हराने के बाद भारतीय टीम ने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है और एक बार फिर से बता दिया कि उनसे बेहतरीन क्रिकेट टीम पूरे विश्व में कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड को पहले T20 में क्लीन स्वीप किया और वहीं इस टेस्ट सीरीज में भी न्यूजीलैंड को बेहतरीन तरीके से मात देकर जीत हासिल कर ली है। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करी है। उससे उन्होंने 2023 में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के लिए प्रबल दावेदारी पेश कर दी है। लेकिन वहीं आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम इस तरह का प्रदर्शन जारी रखते हुए 2023 का टेस्ट चैंपियनशिप विजेता बनने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।